बॉडी सूट कैसे डिजाइन किया जाता है। हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। मैं रोहित आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, एक ऐसा बॉडी सूट जो पूर्ण रूप से वास्तविक लगता है। तो वीडियो बहुत ही रोचक होने जा रहा है, इसलिए आराम से मेरा यह वीडियो अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है केविन यागर, स्पेशल इफेक्ट के मास्टर, और यहाँ ये ऐड कर रहे हैं कुछ रंग निपल में, वो भी नकली बॉडी सूट के लिए। इसकी सहायता से एक ऐसा अभिनेता जो विशिष्ट प्रकार के रोल करने के लिए जाने जाता है और भी रियलिस्टिक हो जाता है। नसों का उभार को दर्शाने के लिए और हिलते हुए टमी को दिखाने के लिए बहुत सारा मेहनत और कारीगरी की आवश्यकता होती है, जिससे एक्टर को जो इस बॉडी सूट को पहनता है बिल्कुल वास्तविक लगता है। इसकी सहायता से एक ऐसा अभिनेता जो विशिष्ट प्रकार के रोल करने के लिए जाने जाता है और भी रियलिस्टिक हो जाता है। नसों का उभार को दर्शाने के लिए और हिलते हुए टमी को दिखाने के लिए बहुत सारा मेहनत और कारीगरी की आवश्यकता होती है, जिससे एक्टर को जो इस बॉडी सूट को पहनता है बिल्कुल वास्तविक लगता है। जैसा कि हमने थॉर को देखा था उसकी मूवी में धुलधुले शरीर के साथ, इसके साथ ही हम इसे अपने बॉडी के एक्स्ट्रा मसल्स के लिए और साथ ही साथ लेडी एक्ट्रेस की प्रेग्नेंट टमी को दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे जगहों में बॉडी सूट में डिटेल्स की डालने की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि इस सूट में केविन ने एक सूट डिजाइन करवाया था डैनी कार्वे के लिए। तो आइए देखते हैं कि सूट कैसे बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक्टर के पूरे बॉडी में लाइव कास्ट किया जाता है। ऑफ स्क्रीन में ये बहुत अजीब प्रोफेशन लगता है। पर्पल और हरे रंग के सिलिकॉन रबर डाई लगाया जाता है, जिसमें हरे सिलिकॉन में ऑयल लगा होता है। ये ध्यान रखा जाता है कि ये रबर एक्टर के बाल को ना खींचे। उसके बाद टेम्प्रेरी प्लास्टर जैकेट चढ़ाया जाता है, यह बाद में मोल्ड का काम करेगा बॉडी सूट के शेप के लिए। इसमें सबसे पहले सिलिकॉन इम्प्रेशन में फाइबर ग्लास टोर्सो सेल के लेयर होती है, जिसे बाद में क्ले से ढका जाता है। यह पहला स्टेज है, उसके बाद सारे वास्तविक डिटेल को उसमें उकेरा जाता है। आर्टिस्ट टीम जो स्कल्पचर में माहिर है इसमें नसें और मसल्स बनाते हैं। बाद में केविन यागर मुआयना कर देखते हैं कि यह सही बना है या नहीं। जब सब काम पूरा हो जाता है तो उसे यहाँ रख दिया जाता है।